Social Studies, Chapter 12, a new chapter, and page 55. Everyone take out page 55, chapter My Sweet Home. My Sweet Home. A house is a building in which people live. House, एक building, जहाँ क्या होता है? हम लोग, people, इंसान मनुष्य जाति जहाँ रहता है, live करता है, ठीक है? The house is which, the house in which we live with our family is called our house. So this is very important. The house in which we live with our family is called our house. House किसे बोला जा रहा है? जहाँ हम लोग क्या करते हैं? पूरा परिवार के साथ, family के साथ हम लोग रहते हैं, उसी को house बोला जाता है. We need a house to protect us from heat, cold, rain, storm, thieves and wild animals. और house क्या क्या protect करता है? क्या क्या हम लोग को सुरक्षित, सब चीज़ से सुरक्षित रखते हैं? क्या क्या चीज़ से? हम लोगों को तो प्रयोजनीयता है, नीड है, और क्या के लिए प्रोटेक्ट करते हैं? क्या के लिए? हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंडा, रेन, पानी, स्टॉर्म, तूफान, झड़, थीफ, जो चोर लोगों ने सामान या कुछ भी चीज़ चोरी करके लेके जा सकता है, एंड वाइल्ड एनिमल्स, जो वन्य, जो जीव जंतु है उनमें से. सो रिपीट अगेन, अ हाउस इज अ बिल्डिंग इन विच पीपल लिव, द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड आवर हाउस. इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अ रूफ इज द टॉप कवरिंग ऑफ आवर हाउस. रूप जो है, छत जो है, वो क्या रहता है? कवर रहता है, खुला नहीं रहता. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है. अ हाउस हैज अ फ्लोर, फ्लोर मंजिल कह सकते हैं, फर्श भी कर सकते हैं. सो फ्लोर होता है. द फ्लोर मस्ट बी नीट एंड क्लीन. और जो फ्लोर भी हो वो नीट एंड क्लीन हो, सब होता है और होना भी चाहिए, ठीक है? सो द फ्लोर मस्ट बी नीट एंड क्लीन. फ्लोर सफा सुथरा होना उचित है. हाउस ऑल्सो हैज़ डोर्स एंड विंडोज. हाउस का और क्या क्या रहते हैं? डोर्स एंड विंडोज भी रहता है, दरवाजा, खिड़की, ठीक है? द विंडोज इन आवर हाउस लिट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर. क्या होता है ना, विंडो से क्या होता है, हाउस का जो विंडो रहता है उसमें हवा, सनलाइट और फ्रेश जो एयर वो उसी से आता है, ठीक है? विंडो से आता है, भीतर आते हैं. लिट इन द नेक्स्ट, द डोर्स ऑफ आवर हाउस एलो अस टू एंटर आवर हाउस. डोर्स का काम क्या है? अभी आप लोगों को पहले बोला मैं, विंडो का काम क्या है? विंडो से हवा आता है, भीतर से सनलाइट और एयर का एयर आता है. और डोर्स का काम क्या होता है? डोर्स हमें अनुमति देता है कि हम इस दरवाजा से ही घुसना है. आप विंडो से जरूर घुसोगे नहीं, आप कहाँ से आओगे, इंटर कहाँ से करोगे? दरवाजा से, मतलब डोर से, ठीक है? ओके. Some houses may have a garden. कुछ हाउस है जहाँ वो सुंदर से गार्डन बना, गार्डन भी रखा है बना के. सो अ हाउस हैज मेनी रूम्स. हाउस में बहुत सारा रूम होता है. हाउस ऐसा ही नहीं कि हाउस हो गया,
हाउस में रूम भी बहुत सारा रहता है. सो डिफरेंट रूम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. कार्यकलाप, बहुत सारा कार्यकलाप के लिए डिफरेंट रूम हम लोग यूज करते हैं. क्या क्या कार्यकलाप रहता? सी द पिक्चर. सी वी सीट एंड टॉक विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द ड्रॉइंग रूम. सी वी सीट. ओके जी. वी सीट एंड टॉक विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. कहाँ हम लोग बातचीत बैठना कहाँ करते हैं? ड्राइंग रूम में. सो सी ड्राइंग रूम. वी हैव आवर मील्स मील्स इन द डाइनिंग रूम. हम लोग के पास डाइनिंग रूम रहता है जहाँ हम लोग क्या करते हैं? करते हैं खाना पीना करते हैं. सो यू सी डिफरेंट रूम्स आर यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. ओके डू यू नो everyone needs a house for comfort. It is available in the form of a permanent house. Although some people live in the temporary structures, i.e. tents, houses differ greatly around the world. Next page. So different rooms are used. So let's see. We cook food in the kitchen. Where? We cook food in the kitchen. Okay. Next. See. We take rest and sleep in the bedroom. Next. We study in the study room. We take bath in the bathroom. कहाँ? Bathroom में. We keep our things in the storeroom. So बच्चों आप लोग देख रहे होंगे खाना कहाँ बनाते हैं हम लोग, cook कहाँ करते हैं? Kitchen में. हम लोग rest सोने कहाँ जाते हैं? Bedroom में. जब हम लोग kitchen में सोने नहीं जाते हैं या bathroom में नहीं जाते हैं सोने के लिए. सो वी स्टडी इन द स्टडी रूम. हम लोग स्टडी करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्टडी रूम में. बात करने के लिए बाथरूम. और जो स्टोर का जो सामान है बहुत सारा देख रहे हैं आप लोग, हम लोग स्टोर रूम में रखते हैं. उसमें नीट एंड क्लीन रहता है हाउस. सो आवर होम गिव्स अस कम्फर्ट. आराम हम लोग को आराम कौन देता है? वी मस्ट कीप आवर होम नीट एंड क्लीन एंड स्टे हेल्थी. नीट एंड क्लीन होता है और हम लोग को अच्छा भी रखता है, स्टे हेल्थी. सो नेक्स्ट सी एवरीबॉडी इम्पोर्टेंट. एवरीबॉडी नीड्स अ हाउस टू लिव इन. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन एटसेट्रा. Different parts of a house are drawing room, bedroom, kitchen, bathroom, dining room, study room, etc. Our home gives us comfort. We should love our house. We must keep our home neat and clean to stay healthy. Important terms to know is very important. Meanings: home, a built structure where family lives. Protection, keep safe. Drawing room, a room where guests are welcomed. Bedroom, a room where we sleep and take rest. Bedroom, dining room, place where people take their meals. So, student, practice. Page 55 or page 56. Okay.